लेसन 16 विंड डब्ल्यू आई एन डी विंड का अर्थ होता है हवा। यस डबल ई एन सीन का अर्थ होता है देखा। नाइदर एन ई आई टी एच ई आर नाइदर का नीदर का अर्थ होगा कोई भी नहीं। एन ई आई टी एच ई आर नीदर नीदर का अर्थ होगा कोई भी नहीं। हैंग एच ए एन जी हैंग हैंग का होता है लटकना। एच ए एन जी हैंग हैंग का अर्थ होता है लटकना। ट्रेम्बलिंग टी आर ई एम बी एल आई एन जी ट्रेम्बलिंग का अर्थ होता है कंपन। ट्रेम्बलिंग टी आर ई एम बी एल आई एन जी ट्रेम्बलिंग का अर्थ होता है कंपन। पासिंग पी ए डबल एस आई एन जी पासिंग का अर्थ होता है गुजरना। पासिंग पासिंग का अर्थ होता है गुजरना। ब्लो डाउन ब्लो डाउन का अर्थ होता है झुकना। बी एल ओ डब्ल्यू ब्लो डाउन का अर्थ होता है झुकना। इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हैज़ एनी वन सीन द विंड हैज़ एनी वन सीन द विंड क्या किसी ने कभी हवा देखा है। तो आंसर लिखेंगे नो नो बडी हैज सीन द विंड नो नो बडी हैज सीन द विंड नहीं किसी ने हवा नहीं देखा है। वेन डू लिप्स ट्रेम्बल वेन डू लिप्स ट्रेम्बल इसका लिखेंगे आंसर द लिप्स ट्रेम्बल वेन विंड्स ब्लो द लिप्स ट्रेम्बल वेन विंड्स ब्लो। कब पत्तियां हिलती हैं तो आंसर होगा द लिप्स ट्रेम्बल वेन विंड्स ब्लो जब हवा चलती है तो पत्तियां हिलती हैं। अगला है लेसन 16 में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो नो बडी हैज बीन द यहां पर लिखेंगे डॉटेड में विंड डब्ल्यू आई एन डी नो बडी हैज बीन द विंड यहां पर सीन होगा देखिए गलत हो गया है नो बडी हैज सीन द विंड तो यहां भरेंगे विंड तो यहां पर लिखेंगे नो बडी हैज सीन द विंड। फिर अगला है द लिप्स ट्रेम्बल ड्यू टू द वर्ड तो यहां सेकेंड है द लिप्स ट्रेम्बल ड्यू टू द विंड द लिप्स ट्रेम्बल भरेंगे ड्यू टू द विंड द पत्तियां हिलती हैं हवा की वजह से तो द लिप्स ट्रेम्बल पत्तियां हिलती हैं ड्यू टू द विंड हवा की वजह से। द ट्रीज बेंड डाउन देयर तो यहां भरेंगे हेड्स एच ई ए डी एस हेड्स टू ग्रेट द विंड द ट्रीज बेंड डाउन देयर हेड्स टू ग्रेट द विंड पेड़ जो है अपने हेड को डाउन करते हैं कब टू ग्रेट द विंड जब बहुत तेज हवा चलती है। द ट्रीज बेंड डाउन देयर हेड्स टू ग्रेट द विंड इस प्रकार चैप्टर समाप्त हुआ।